सीरीज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आपने इतिहास में बहुत सारी ऐसी रोचक घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन हम आज आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी विश्व चैंपियनशिप जो कि मुक्केबाजी है, उसमें पूर्व एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उर्वशी सिंह जी मेरे साथ में है। और उर्वशी ने पूरे भारत देश का ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि बहुजन समाज का नाम भी गौरवान्वित किया है। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो जातिवाद है वो हमें झलकता नजर आता है। उर्वशी जिस तरह से वर्ल्ड लेवल पर चैंपियनशिप जीत कर लाई है, लेकिन किसी भी मीडिया ने उनको दिखाने का काम नहीं किया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो भारत की योग्यता है, जो भारत की एक तरह से होनहार बेटी है, उसको आज भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान के लिए किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर मैं ये कहूँगी कि अगर उर्वशी किसी अन्य समाज से होती तो आज पूरे भारत देश में उनका गुणगान कर रहा होता, सरकारें बड़े बड़े आयोजन कर रही होती, लेकिन किसी भी तरह का सरकार की तरफ से हमें आयोजन देखने को नहीं मिला है। इसी कड़ी में मेरे साथ में पहले उर्वशी हैं। उर्वशी जी, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए। थैंक यू। उर्वशी जी, इतने बड़ा मतलब चैंपियनशिप आपने जीती है, तो पहले जानना चाहूँगी कि किस तरह की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आज आपके सम्मान में यहाँ पर आयोजन किया गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने वर्ल्ड चैंपियन जीता है, और ये दुबई में मिडिल ईस्ट इसमें फर्स्ट टाइम था जिससे कि मैं पहली वुमेन बनी वर्ल्ड चैंपियन, और इंडिया में भी मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ फर्स्ट टाइम। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं यही चाहूँगी कि सभी लोग मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट करें। उर्वशी जी, जानना चाहूँगी मैं, केंद्र सरकार की बात करूँ या दिल्ली की सरकार की बात करूँ, तो आप तक आपके सम्मान में किसी सरकार ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया है? अभी तक तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कराया इन लोगों ने। मैं यही चाहूँगी कि जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, मैं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है एक बॉक्सर को, क्योंकि वो लोग एक छोटे परिवार से आते हैं, उन लोगों के पास इतनी सारी चीज़ नहीं होती, ना उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ना डाइट, वो अपनी ही मेहनत में लगे रहते हैं भूखे प्यासे। मैं यही चाहूँगी कि सरकार से इसकी सब ये प्रोफेशनल बॉक्सर की ये जितनी से ज़्यादा मदद करी जाए, उन लोगों की मदद करें ट्रेनिंग में भी और उनकी खाने पीने में भी। उर्वशी जी, ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एक संघर्ष यात्रा आपकी रही और जिस तरह से जिन जिन कठिनाइयों को आपने झेला, हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। मेरी जो लाइफ का जो ये पार्ट था, ये बहुत ही कठिन था। एक आप लोगों को पता ही है कि एक महिला के लिए ये कितनी बड़ी लड़ाई है, संघर्ष है। एक एक स्टेप बाय स्टेप पे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिससे कि उनसे लड़कर मुझे इनको हराकर मैं आगे बढ़ी हूँ, और स्टेप बाय स्टेप। और मैं यही चाहूँगी कि ये जो महिलाएँ हैं उन ये कभी हार ना माने। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे पीछे से उसके बारे में बुरा बोलते हैं, ये सारी चीज़ें कि वो ऐसे है ऐसे है, कि एक लड़की है, लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, उन लोगों की बात ना सुनकर वो अपने ही मुकाम पर और अपने ही जो करना चाहती है उसको लगन से करती रहे और अपने करियर में आगे बढ़ती रहे। उर्वशी जी, अक्सर आपने जो बात कही और हम भी सुनते हैं कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका इस देश का महिलाओं को कम करके आता है, लेकिन आज जिस तरह से आपने मुक्केबाजी में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है तो दिखा दिया है फिर से कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो ये भी जानना चाहूँगी कि आज आपके सम्मान में यहाँ पर खासकर बाबा साहब की बहुत सारी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही, तो इनका क्या योगदान रहा आपके जीवन में? मैं एक छोटे समाज मतलब दलित परिवार से हूँ, जिससे कि ये लोग जो अंबेडकर बाबा हैं वो हमारे ही समाज से थे, उन लोगों ने भी जो पहले समाज था उन लोगों ने ऐसे कर दिखाया जो पहले जो ऊपरी जो क्षेत्रीय समाज के लोग थे वो नहीं कर सके, जो हमारे दलित समाज ने करा। इन्हीं की ही मैं प्रेरणा लेकर मैंने भी आज ये कर दिखाया कि मैं दलित परिवार की होते हुए भी मैंने जो जाट वगैरह जो सभी लोग थे उन लोगों को पीछे छोड़ दिया, और मैंने बाबा साहब की राह पकड़ते हुए और मैंने समाज में फिर से दलित लोगों का अपने समाज का नाम रोशन करा है, और मैं ऐसे ही अपने समाज का नाम रोशन करूंगी और पूरे विश्व में पूरे देश में अपने समाज का नाम रोशन करूंगी। उर्वशी जी, आगे की क्या प्लानिंग है? मेरी आगे की प्लानिंग है ये जो अभी मैंने वर्ल्ड चैंपियन जीता है, मैं वर्ल्ड में टॉप 12 में हूँ और इंडिया में नंबर 1। मैं यही चाहूँगी कि ये मेरी जो नेक्स्ट फाइट है वो दोबारा वर्ल्ड टाइटल है, पर वो दूसरे WBC वर्ल्ड टाइटल है,
जो बोर्डिंग है जैसे WBC, WBA, WBA इन सभी में, क्योंकि मैं वर्ल्ड टाइटल के अंदर एंट्री कर चुकी, तो अब मेरे को सारे वर्ल्ड टाइटल खेलने हैं। वर्ल्ड टाइटल के बाद मैं यही चाहूँगी कि मैं डायमंड टाइटल हूँ, डायमंड टाइटल के बाद फिर मैं अपने ओलंपिक में जाऊँ और ओलंपिक में अपने देश का झंडा फहराऊँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। उर्वशी जी, इस फील्ड में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या किन लोगों की भूमिका रही आपको मोटिवेट करने के लिए कि आज आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? ये प्रेरणा मेरे अंदर शुरू से ही थी, मतलब कि मैं बचपन से ही लड़ाई झगड़े ये सब में, मतलब कि लोगों को मारना ये पीटना, तो घर पे कंप्लेंट वगैरह आती थी, घर वाले ने ये लोग, जैसे मैं कॉलेज वगैरह में गई, इन लोगों को नहीं पता था कि मैं बॉक्सिंग वगैरह करती हूँ। उन लोगों को फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटर कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता और मेरा न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में नाम वगैरह आया, तो घर वालों ने बोला कि उर्वशी तेरा नाम और पेपर में आया, तो इन्होंने बोला कि तू कॉलेज में जाके पढ़ती है या खेलती है? तो मैंने बोला कि मैं बताना नहीं चाहती थी आप लोगों को, तो इन लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं है, हम लोगों को बताकर जो भी काम करने हैं सब लोग बता के करें। और मैंने फिर अपने घर में बताया, मेरे परिवार वालों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी बेटी ने हमसे बिना बताए इतनी मेहनत करी, हमसे बिना इसके, और अपनी दोनों चीज़ में कामयाबी, शिक्षा में भी और अपने खेल में भी उच्च स्तर प्राप्त करा। इस कड़ी में उनकी माताजी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी, बेटी जिस तरह से विश्व में नाम रोशन करके आई आप सबका, तो कैसा लग रहा है पहले ये बताएं हमें? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और इसके लिए मैं रात दिन प्रार्थना करती हूँ, मेरी इस उर्वशी अगारे को इस वजह ऐसा ही नाम कमावे। और मैं सबके लिए बोलती हूँ, मेरी लड़की की जैसे मेरी लड़की नाम उछा रही है, ऐसे सबको ही उछा रही जी। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं बेटियों को दबा कर रखा जाता है और ये कहा जाता है कि बेटियां हैं आगे चलकर ससुराल जाएंगी, घर गृहस्थी संभालेंगी, तो जो लड़कियां घर गृहस्थी तक सीमित होती है और जिस तरह से उर्वशी ने इन चीज़ों को बिल्कुल साइड में करते हुए आज वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, तो उन बेटियों के लिए और माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो खासकर बेटियों को घर में दबा कर रखते हैं? हमने शुरू से ही इन्हों को इतनी छूट दे रखी है, बेटा हमारी इज्जत आपके हाथ में है, हम तुम्हें कहीं को रोकेंगे नहीं, कहीं आने के लिए कहीं जाने के लिए, और जो तुम जो हमारे बस की है, हम जैसे गरीब हैं, जो हमारे बस की है वो आपके लिए हम आधी रात पर तैयार हैं, और जैसा तुम अब नाम कमा रहे हो हमारे लिए ऐसे अगार हो जी। तो देखिए, ये थी हमारे साथ में उर्वशी की माता जी, जिन्होंने कहा है कि बेटियां चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, ज़रूरत है लगन और मेहनत की। और जिस तरह से उन्होंने उर्वशी पर पूरा विश्वास जताया और हर तरह से उनको आज़ादी दी, और उसी आज़ादी उसी विश्वास का नतीजा है कि आज इस बहुजन समाज की बेटी उर्वशी सिंह ने पूरे विश्व में भारत के साथ साथ अपने समाज का भी नाम गौरवान्वित किया है। उर्वशी जी, जानना चाहूँगी कि खासकर जो इतनी बड़ी प्रेरणा मिली है और इतनी बड़ी सफलता है, कहाँ से मिली है ये? इसका जो भी मैं श्रेय देना चाहती हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहती हूँ। उन्होंने पहले जो था, उन्होंने संविधान में हमको अपना फ़र्ज दिलाया और मैं उस अधिकार से ही मैं यहाँ तक और उनकी राह को देखते हुए मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ, जिसे कि मैंने पूरे विश्व में वर्ल्ड टाइटल बैट जीती है और अपने देश का नाम रोशन करा है। जी, इस कड़ी में देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं, हाथों में फूलों के गुलदस्ते हैं और चेहरे पे खिलखिलाहट भी है, तो उनसे भी जानना चाहूँगी, आज उर्वशी आपके बीच में है और विश्व स्तर पर चैंपियनशिप जीत गया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत हमारी कौंडली का नाम रोशन करा उनने, और ऐसी बेटी सब घर घर में बेटी पैदा हो और ऐसा ही नाम रोशन करे, पूरी कौंडली का, पूरी राजवीर कॉलोनी का, पूरे चारों पूरे वस्त्र में सबका, महिलाओं का, और सबको खुशी है, सबको खुशी, और इतनी खुशी सबको हो, भगवान सबका नाम रोशन हो, सारे माँ बापों का नाम रोशन हो, सबकी बेटियां नाम रोशन करें, बेटों से भी ज्यादा ऊँची है। अंबेडकर बाबा की मायावती की। तो देखिए, कहीं भी चले जाए, कैसे भी चले जाए, जो बाबा साहब की जय जयकार है आपको अक्सर सुनने में मिल जाती है, और यहाँ पर जिस तरह से कहा है कि बहन कुमारी मायावती की जय, तो ये जय हम करते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होता है, क्या वो व्यक्ति जय जयकार के लायक है। तो यहाँ पर जिस तरह से बहुजन समाज की बेटी ने पूरे विश्व में, भारत के साथ साथ में कोंडली जो विधानसभा है और यहाँ की जो जनता है, उनको भी गौरवान्वित करने का काम किया और दिखा दिया है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं है, अगर बेटियों को मौका मिले तो बेटियाँ आसमान की ऊँचाइयाँ भी। Thank you.